स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के मुकाबले नीरज ने पहले राउंड में 87.03 का स्कोर गेन किया है और नीरज ने दूसरे राउंड में 87.58 का स्कोर किया है। जेवलिन फेंका है, तीसरे राउंड में नीरज ने फेंका 76.79 स्कोर। और बता दें कि 23 साल के नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई के लिए 83.50 मीटर की सीमा को पार करते हुए 86.65 मीटर भाला फेंका था। वो ग्रुप ए में टॉप पर थे। ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है, तो ये बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी बात भारत के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है, तो एक अच्छी खबर निकलकर टोक्यो से आ रही है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से आ रही है। भारत के जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें से नीरज ने पहले राउंड में 87.03 स्कोर किया और दूसरे राउंड में 87.58 जेवलिन फेंका है। और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, जिनका शानदार प्रदर्शन निकल कर आया है शुरुआती दौर में, तो आज फाइनल मुकाबला और देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंचे हैं और शुरुआती दौर में ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो 23 साल के नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई के लिए 83.50 मीटर की सीमा को पार करते हुए 86.65 मीटर भाला फेंका था। ग्रुप ए में टॉप पर थे। ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है। बड़ी खबर, अहम खबर टोक्यो ओलंपिक 2020 से निकलकर सामने आ रही है। आपसे कुछ देर बाद देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर आती है, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस दी है यहां पर, बेहतरीन खेल दिखाया है यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने, जो कि मात्र 23 साल के हैं। और आपको बता दें कि अब तक ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है, तो देखना होगा, कुछ देर का वक्त और है, थोड़ा इंतजार और है कि क्या कुछ निकल कर आता है रिजल्ट। लेकिन पूरा देश जो है वो इस समय दुआ कर रहा है, जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं, हर किसी की निगाहें टीवी पर लगी हुई हैं। तो फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा की धमाकेदार शुरुआत हुई है और गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा की जंग लगातार जारी है। क्या कुछ रिजल्ट आएगा वो हम आपको बताएंगे, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इन सब के बीच में अहम बात यह है कि ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है। 23 साल के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई के लिए 83.50 मीटर की सीमा को पार करते हुए 86.65 मीटर भाला फेंका था, ग्रुप ए में टॉप पर थे। ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है, तो आज इतिहास रचा जा सकता है। देखना होगा कि नीरज चोपड़ा आगे किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन शानदार प्रदर्शन किया है यहाँ पर शुरुआती दौर में नीरज चोपड़ा ने। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का मुकाबला लगातार जारी है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने शुरुआती दौर में बेहतरीन खेल दिखाया है, 87.03 का स्कोर किया पहले राउंड में और दूसरे राउंड में 87.58 का किया है और तीसरे राउंड में 76.79 का किया है। तो ये अब तक का स्कोर अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले और दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं नीरज चोपड़ा, तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का आज 16वां दिन है और आपको बताएं नीरज चोपड़ा फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं।
और चलिए बढ़ते आगे। वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी से कोई मतभेद नहीं है, अभी तक ओवैसी हमसे अलग नहीं हुए हैं, 27 अक्टूबर को खुलासा करूंगा कि कौन किसके साथ है। खेल रत्न को लेकर राजभर ने कहा कि नाम बदलने से विकास हो जाए तो ठीक है, वरना नाम बदलने के बाद इलाहाबाद और मुगल सराय की क्या स्थिति है सभी जानते हैं। दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को भाजपा को हराना है वो हमारे साथ आवे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। खाली अलग अलग चिल्लाने से नहीं होगा, हमारे यहाँ साफ साफ बात है, हम जो मोर्चा बना रहे हैं उस मोर्चे में जो लोग बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, दिक्कत नहीं है। और मेरठ में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर सपा पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन 7 मांगों का को लेकर किया है और ज्ञापन भी सौंपा है। और इस दौरान विधायक रफीक अंसारी ने कहा है कि हम लोग सरकार से 7 मांगे कर रहे हैं और आज के दिन को मंडल दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान में संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मंडल कमीशन की जो सिफारिश है, मंडल कमीशन तो लागू कर दिया लेकिन उसकी पूरी सिफारिश है वो लागू आज तक नहीं। आप देखिए हमारे प्रधानों में, नगर निगम में तो लागू हो गई, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में, नौकरियों में, सरकारियों में और बहुत सारी व्यवस्थाओं में मंडल कमीशन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। हमारी मांग है कि मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, ये भारत सरकार से हमारी मांग है। ये मंडल और धरती पर अगर जीवन देने योग्य भगवान जिसे कहा जाता है तो ये उपाधि सिर्फ डॉक्टर को ही मिल पाई है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला है, जहां बीते 31 जुलाई को प्रताप विहार के एक निर्माण स्थल पर मजदूर के कार्य के दौरान 20 फीट लंबा सरिया उसके सिर से आर पार हो गया था। आनन फानन में मजदूर को फ्लोरेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टर एनके सिंह और डॉक्टर गौरव गुप्ता की टीम ने 4 घंटे तक लंबी सर्जरी के बाद सरिये को सिर से निकालकर सफल ऑपरेशन किया है, जिसके बाद मजदूर को नई जिंदगी मिल पाई और अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई को प्रताप विहार के एक निर्माण स्थल पर मजदूर के कार्य के दौरान 20 फीट लंबा सरिया उसके सिर से आर पार हो गया था। आनन फानन में मजदूर को फ्लोरेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर डॉक्टर एनके सिंह और डॉक्टर गौरव गुप्ता की टीम ने 4 घंटे तक लंबी सर्जरी की और उसके बाद सरिये को सिर से बाहर निकालकर सफल ऑपरेशन किया है, जिसके बाद मजदूर को नई जिंदगी मिल गई है और अब उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। तस्वीरें गाजियाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक मजदूर के सिर में सरिया जो था 20 फीट लंबा सरिया उसके आर पार हो गया था और फ्लोरेंस अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और डॉक्टर एनके सिंह और डॉक्टर गौरव गुप्ता की टीम ने 4 घंटे तक लंबी सर्जरी के बाद सरिये को सिर से बाहर निकाला और ऑपरेशन किया, जिसके बाद मजदूर को नई जिंदगी मिल पाई है और अब ये जो खबर निकल कर आ रही है कि मजदूर की हालत में अब सुधार है, उसकी हालत बेहतर है। तो धरती पर अगर जीवन देने योग्य भगवान जिसे कहा जाता है तो उसकी उपाधि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को दी गई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये खबर देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गाजियाबाद में ऐसा मामला देखने को मिला है। 31 जुलाई को प्रताप विहार के एक निर्माण स्थल पर मजदूर के कार्य के दौरान 20 फीट लंबा सरिया उसके सिर से आर पार हो गया था और आनन फानन में मजदूर को फ्लोरेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर एनके सिंह और डॉक्टर गौरव गुप्ता की टीम ने 4 घंटे तक लंबी सर्जरी के बाद सरिये को सिर से निकालकर सफल ऑपरेशन किया है, जिसके बाद मजदूर को नई जिंदगी मिल पाई है और अब उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। गाजियाबाद की खबर है ये, जहां पर एक मजदूर के सिर में सरिया आर पार हो गया था। अमरोहा पुलिस ने जिले के अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपर जिलाधिकारी
विनय कुमार ने जिले के 27 शातिर अपराधियों को जिला बदर कर दिया है और अपराध नियंत्रण के लिए चल रहे इस अभियान से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। विपक्ष पर हमला बोलने के बाद अंदरूनी तैयारियों पर बैठक हो रही है और सरकार और संगठन के बीच में तालमेल जानने की कोशिश है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हैं। बैठक में बुलाने का मतलब पुराने अनुभवों को जानना, सरकार और संगठन को चुनाव तक अब किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग में समझा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो की मीटिंग में मंथन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोला और उसके बाद अब अंदरूनी तैयारियों पर बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग में मौजूद हैं। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल जानने की कोशिश है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हैं। तो बैठक में बुलाने का मतलब पुराने अनुभवों को जानना है, सरकार और संगठन को चुनाव तक अब किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग में समझा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। विपक्ष पर हमला बोलने के बाद अंदरूनी तैयारियों पर बैठक हो रही है। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल जानने की कोशिश है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल हैं और जो पुराना तजुर्बा है, बैठक में बुलाने का मतलब है कि पुराने अनुभवों को जानना है, सरकार और संगठन को चुनाव तक अब किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पर मंथन हो रहा है, इस पर रणनीति तय हो रही है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग में समझा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त लगातार। विपक्ष पर हमला बोलने के बाद अंदरूनी तैयारियों को लेकर यहां पर बैठक चल रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हैं। बैठक में बुलाने का मतलब पुराने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बैठे बैठक में शामिल हैं कि अनुभवों को जानना है। 2017 की बात करें तो यहां पर 312 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, प्रचंड जीत थी ये। हारी हुई सीटों पर है फोकस, इन सीटों पर बीजेपी के सहयोगी भी नहीं जीत पाए हैं, तो उन सीटों पर ज़्यादा फोकस है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, यहाँ विपक्षी पार्टियों को जीत मिली थी। तो जो सीटें हारी हैं भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों को जीत मिली थी, तो उन सीटों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इन्हीं सीटों पर बीजेपी का फोकस है। यानी कि जो सीटें हारी थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अब उन्हीं सीटों पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने जीती थी, 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी, तो इन सीटों पर 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी। तो 2017 यूपी चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, लेकिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी, जहां पर हार मिली थी, वहां पर बीजेपी या फिर उनके सहयोगी जीत नहीं पाए थे, तो उन सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इन्हीं सीटों पर बीजेपी का फोकस है, हारी हुई सीटों पर फोकस ज्यादा है। आपकी जीडीपी 10.90 लाख करोड़ थी, आज वो बढ़ करके जीडीपी जो है वो 21.73 लाख करोड़ हो गई। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर आकर के उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, नंबर 2 पर बिजनेस करने में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे दंगों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे जाति उन्माद का प्रदेश। और मैं 1998 से स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मैं अपने हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता था, फैमिली प्लानिंग टॉप मोस्ट, लोगों को सुविधा देना टॉप मोस्ट, सब कुछ। लेकिन जब आंकड़े बिगड़ते हुए देखते था देश का, तो मैं पूछता था ये हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
ये इतने अच्छे काम के बाद ये 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 बीमारी कहां से लग रही है, कैसे ये नहीं हो रहा है, तो पता चलता था कि हमारे यहां कुछ बीमारू राज्य है, कुछ बीमारू राज्य है, और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश। आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,80,00,000 लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2,80,00,000 उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है, इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपये साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये DAP में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग जो 2,400 रुपये में आता था, आज किसान को 1,200 रुपये में मिल रहा है। यानी अगर वो 2,400 एक बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो 2 बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का, इसको हमको समझना। अश्वनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अश्वनी, जो बैठक चल रही है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या कुछ मंथन चल रहा है, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं जेपी नड्डा, वो इस समय भाजपा कार्यालय के अंदर मंत्रियों के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो अंदर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं जो राधामोहन सिंह, वो मौजूद हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद हैं। तमाम जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में वो मौजूद हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पुराने और कद्दावर नेता भाजपा के रहे हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ संतोष गंगवार मौजूद हैं। निश्चित तौर पर एक लंबी लिस्ट है जो पदाधिकारी हैं तमाम, और इसके अलावा जो मंत्रियों के। निश्चित तौर पर इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2022 को लेकर के चर्चा हो रही है, 2022 में किस तरह से जमीन पर काम किया जाए, किस प्रकार से जो विपक्ष है उस सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए। जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने जब ब्लॉक प्रमुखों और जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम जो जो सरकार की हो, चाहे वो कोरोना काल में काम को लेकर के हो, चाहे जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनको लेकर के हो, इसके अलावा जो इकोनॉमी है ग्रोथ उसको लेकर के हो, इसके अलावा जो राशन बट रहा है गरीबों को उसको लेकर के हो, मजदूरों का पलायन जो था उसको रोकने को लेकर तमाम एक लंबी लिस्ट जिसका जिक्र जेपी नड्डा ने अपनी बातों में कहा। साथ ही साथ जो विपक्ष था उसको अपनी समीक्षा करने के इशारों में बात कही। अंदर जो है किसानों का आंदोलन इस समय चल रहा है, किसानों को लेकर के भी चर्चा होने की पूरी संभावना है कि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसको किस तरह से कराया जाए, कैसे अपने पाले में किसानों को आने की कोशिश की जाए, किस तरह से उनको राजी किया जाए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुआ है। कल जो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो लखनऊ आए थे और फिर एक बार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें हम पूरी तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा भाजपा की ओर था कि भाजपा को हराने की हम उनकी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ दिन पहले बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को भी दिल्ली तरह चारों तरफ से घेरेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अंदर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो 4.5 साल में मंत्री रहे हैं उनके परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है कि आखिर किस उनका परफॉर्मेंस अपने विभाग में कैसे रहा। साथ ही इसके अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार सरकार को घेर रही, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं को रोजगार की देने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस सरकार को घेर रही। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी चर्चा होगी कि चुनाव का 6 महीना बचा हुआ है, 2022 से पहले किस तरह से पूरी रणनीति की तैयार की जाए कि जो युवा हैं उनको भी मनाया जाए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो युवाओं का, जो भाजपा को पिछली बार उसने वोट किया था, एक बार इस बार भी वो युवा जो भाजपा से जुड़े। निश्चित तौर पर इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भाजपा का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा जितने की उम्मीद थी। हालांकि ऐसा पहले माना जाता है कि भाजपा जो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा एक्टिव है, शहरी क्षेत्रों में उसका वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन सबके बावजूद भी अब जो भाजपा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेंध लगाएगी, क्योंकि जाति समीकरण जिस तरह से तमाम पार्टियां साधने की कोशिश कर रही हैं, चाहे भाजपा की सपा बसपा की बात करें, बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जगह जगह गोष्ठियां कर रही है, इसके अलावा अगर
सपा की बात करें, ओबीसी को मोर्चे को लेकर के मंडल कमीशन की लेकर लागू कर जो बातें थी वो लागू करने के लेकर के आज ज्ञापन भी दिया गया डीएम को। इसके अलावा ब्राह्मणों को लेकर के भी राजनीति की जा रही, ऐसे तमाम मुद्दों को बचना चाहती भाजपा किसी ना किसी तरीके से। अभी हाल ही में जो बसपा सुप्रीमो है उन्होंने ओबीसी वर्ग की अलग से जनगणना कराने की मांग की। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भाजपा चुनाव से पहले ऐसी रणनीति तैयार करना चाहती है कि 2022 से पहले पहले एक बेहतर समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाया जा सके, जिससे 350 का जो लक्ष्य भाजपा का इस बार का है वो उसको आसानी से पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।